Hi guys, welcome back to day 49. Today is legs, ठीक है? तो आज मुझे कॉलेज जाना है तो मैंने उठते ही अपनी पहली मील ले ली, which is 1 liter buffalo milk. प्रोटीन अभी भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है यार. ठीक है, 1 liter buffalo milk, उसमें मैंने डाले 3 कॉफी के पैकेट और 100 ग्राम ऑफ हनी. इसे पीऊंगा और ये मैं डाइजेस्ट कर लूंगा मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या 1 आवर में, बिकॉज कॉलेज जाऊंगा चलूंगा बहुत. तो उसके बाद मैं खाऊंगा राजमा राइस, क्योंकि वही मील है जो मैं वहाँ ले जा पाऊंगा, क्योंकि एग्स खत्म हो गए थे कल, तो आज वो भी लेके आने. बाकी हम देखते हैं कॉलेज में क्या खाते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. ठीक है, सीधे मिलते हैं कॉलेज में. बकवास. सो आज है हमारा वीक थ्री सोच रहा था, तो आज भी एक हैवी सिंगल है 160 केजी का. उसके बाद बैक ऑफ सेट देखता हूँ क्या लिखे हुए मैंने, क्योंकि बैक ऑफ सेट मेन है. तो ओए, आज मामला थोड़ा अलग है. आई वाज प्रेपिंग माय सेल्फ फॉर 160 केजी, बट आज वीक थ्री, बिकॉज वीक वन डिलोड था, वीक टू मैं ले चुका हूँ, और आज वीक थ्री में मुझे करना है 150 पे एक रेप और 125 पे 2 सेट्स ऑफ 5 to 7 reps. अच्छा, तो मेन स्ट्रेंथ हमारी 125 पे यूज होगी. आई विल ट्राई टू टेक 150 स्लीवलेस, ठीक है. बाकी देखते हैं कैसा फील होता है आज. और इस बार तो लाइट डे भी बढ़िया है, खौफनाक. मैंने कुछ ज्यादा ही तगड़ा ही लिख दिया ये. जब मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूँ ना, आई कैन फील माई सेल्फ डूइंग, आई कैन फील माई सेल्फ डाइंग डूइंग दिस. हैवी वेट नहीं है, हैवी लोड है, हैवी रेप्स है. 125 पे 7 reps. I have taken more than 7 reps, but दो सेट के लिए भाई यही तो मजा है. Let's get our squats ready. देखते भाई कैसा दिन जाता है आज. थोड़ा मामला डरावना हो चुका है, बट हमने खुद लिखा है तो उसे परफॉर्म तो करेंगे. सीधा मिलते हैं जिम में. प्रोटीन आ गया भाई, प्रोटीन आ गया. Congratulations, you achieved failure has been achieved, thank God. Now the only place to go from failure is to win. You have to achieve failure, you have to take it that far. Nobody wants to go that far, it's too scary. You know something? I got news for you. That's where winning is. It always has been. Nothing's changed since the 70s. Nothing. Except people train not as hard. Yourself that you will not ever be a failure. You have to marry this thought pattern. So when you get to the gym, I don't care if you're on your deathbed and you're dying and it hurts, anything, you have to promise yourself before you get there that you are not going to go home a loser. I would rather die than acknowledge to myself that I'm that loser. There is nothing that I won't do. There's nothing that I won't do to avoid being a loser. And if you think you could have done more, you're a loser. I'll fight to the death. It sounds crazy, but you gotta give it that much. We'll be right back.
कुछ ज्यादा लूज है बाय द वे गेस गेस बट आई एम गोना सो यू गाइस प्रोटीन ठीक है. अराउंड 10 डेज इट टुक टू कम बट आ गया प्रोटीन ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ वाज टुडेज वर्कआउट As you guys don't know, I took pre today, ठीक है? Around 1.5 scoop or maybe 2 scoop, I don't know. उसके बाद थोड़ा अच्छा इंटेंस वर्कआउट हुआ पहली बार इतने टाइम बाद. बढ़िया स्क्वाट करी. जब मैंने बैक ऑफ का 125 के 5 रेप्स लिए ना, तो उस 5 रेप्स को लेते हुए ना मेरे को मेंटली फील हो रहा था कि यार ये फॉर्म ना सही नहीं आ रही है. तो मैं बैठा रेस्ट करते हुए मैंने यूट्यूब खोला और मैं लो बार स्क्वाट की वीडियोज देख रहा था. फिर उस टाइम मैं टिप्स दे रहा कि आप जो अगला सेट होगा उसके मैं 7 के 7 रेप लूंगा पर ट्राई करूंगा कि जो मैं टिप्स ले रहा हूँ वो मैं यूज करूँ एग्जीक्यूट करूँ. मैंने लिए मेन मेरे को लग रहा है ना कि मेरी डेप्थ लो बार में बिल्कुल हिट नहीं हो रही बट जब मैं देखता हूँ वो पैरेलल है. मतलब हाँ डेप्थ है बट थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि हिट होए कि वीडियो मतलब कोई भी देखे तो कहे कि डेप्थ है वैसे ना हो कि हाँ यार पैरेलल है हल्का सा नीचे है. मैं चाहता हूँ और ठीक है समझ लो तो इस पर भी ध्यान देना. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगा था 160 का एक रैप लेना बट 150 का एक रैप था और वो बहुत इजी आया. मैंने स्लीव्स पहनी ही नहीं आज. स्लीव्स मैंने पहनी सीधा हैक स्क्वाट में. आज पता नहीं कैसे मैंने सोचा कि यार हैक स्क्वाट लेते एंड इट वेंट गुड. ठीक है मैं उस पर हैवी नहीं किया. एक मुझे एक तो आदत नहीं है ना इस मशीन की तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल किस वे में फील कर रहा हूँ कहाँ मेरी फुट रखूँ कि यहाँ पे मेरे अच्छे रैप्स हैं वो मेरे को धीरे धीरे आर्ट डलेगी बट वी आर गोना पुट हैक स्क्वाट. ठीक है हैक स्क्वाट इज अ नाइस मशीन. इसमें मैं अपनी एक्चुअल स्क्वाट से हैवी जा सकता हूँ जैसे हम लेग प्रेस पे जाते हैं. बट ये है कि अब डेप्थ हिट करना नॉर्मल स्क्वाट में तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि उसमें हम बहुत ही डिफरेंट वे से अपने बार को रखते हैं ये सब चीजों को लेके. बट इसमें किसी पर्टिकुलर वेट पे मैं नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर आते हुए जो मोशन है मेरा उसमें लॉकआउट वो सब मैं परफेक्ट कर सकता हूँ इन माय स्क्वाट इसके वजह से तो इस पर भी ध्यान देंगे. इसके बाद मैंने ना काफ्स करे ना मैंने हैमस्ट्रिंग्स करे. आई फेल्ट लाइक कि यार कुछ ज्यादा तगड़ा पंप आ गया कुछ ज्यादा ही क्वाड्स वर्कआउट हो गया तो वी आर गोना से इट वाज अ क्वाड वर्कआउट टुडे नॉट अ लेग वर्कआउट. बट जो हमारा सेकेंडरी लेग वर्कआउट है वो हमारा एक लाइट डे होता है तो उस दिन मैं पूरे हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करूंगा विद काफ्स. तो तुम स्क्वाट के बाद सीधा यही चीज देखोगे. होपिंग टू गेन गुड स्ट्रेंथ दिस टाइम. ठीक है 180 लेंगे लेके ही रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कल भाई अब मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ. आज स्क्वाट का अच्छा खासा लोड आ चुका है वैसे देखा जाए तो नहीं भी आया 150 isn't that heavy, तो मैं कल डेडलिफ्ट ले सकता हूँ. दैट्स अ कंफ्यूजन इन माय लाइफ. बाकी कल डेडलिफ्ट लेंगे तो बढ़िया करेंगे भाई. ठीक है डेडलिफ्ट भी कल अच्छी है 175. फिर उसके बाद बैक ऑफ मैं देखे नहीं पर बैक ऑफ में जो मुझे मजा आता है डेडलिफ्ट के प्रोग्राम में जो ये मैंने बनाया है भाई मेरे बैक ऑफ में 200 रेप लिखे हैं मैंने. ये वो रेफरेंज है जिसको रेफरेंज को लेकर मैं डरता था और इस रेफरेंज में जब मैं खेल रहा हूँ ना मजा आ रहा है. ठीक है तो भाई ये है 500 ml मिल्क और 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन. अभी इसे निपटाएंगे. आज मैंने अराउंड 2 लीटर से थोड़ा कम ही दूध पिया बट कैलोरीज आर गुड. बफेलो मिल्क में 910 के अब इसी कैलोरीज ट्रैक कर ही लिया. 500 ml अराउंड होगा 350 के अराउंड. ठीक है से ज्यादा नहीं बट बढ़िया है प्रोटीन आ गया तो और बढ़िया. ठीक है अब हम तुम्हें मिलते हैं सीधा कल की वीडियो में. आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो. टुडेज डाइट वाज अराउंड 4000 कैलोरीज. इसे डालेंगे तो हो जाएगी 4500 हिट नहीं करी आज बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड स्टफ. कल भी जाना है बट फिर हम रेस्ट लेंगे फिर नो कॉलेज फॉर सम टाइम. बढ़िया डाइट लेंगे. सीधा मिलते हैं कल के ब्लॉग में. हाउ आई विल मैनेज टू डेडलिफ्ट विद माय कॉलेज रनिंग. तो बड़ा डाइट वेट मैं कैसे हैंडल करता हूँ कल की कल में देखेंगे. और तुम्हें आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाकी भाई सपोर्ट करो भाई. ठीक है वी आर नॉट गोना स्टॉप. डे 50 या डे 40 अबे भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. पर डे 50 भी आ गया 50 डेज. ठीक है सीधे मिलते तो मैं कल की वीडियो में.
Nice. Bye-bye.